आज के इस वीडियो में मैं एक बड़ा टॉपिक कवर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहूंगा। ये मेरे एक टूल वेबसाइट का एनालिटिक्स रिपोर्ट है। 30 दिन में ऑलमोस्ट 3 लाख पेज व्यू आए हुए हैं, और अगर बात करें कि कहां कहां से पेज व्यू आया है तो आप देख सकते हैं जो इसका जियोग्राफी है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है। इंडिया से आया है, यूएस से आया है, आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, सब शामिल हैं इसमें। और इसमें देखेंगे पिछले महीने यूएस से करीब 40,000 यूजर्स, अच्छा खासा अमाउंट होता है। इस टूल वेबसाइट का नाम क्या है, ये कैसे मोनेटाइज है, ये सब मैं रिवील करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना। आज जो आपको लर्निंग मिलने वाली है आपको किसी ब्लॉगर ने नहीं सिखाया होगा या कहीं पे भी आपने सीखा भी नहीं होगा। तो आज 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 44वें दिन में हम बात करने वाले हैं ब्लॉग वर्सेस टूल वेबसाइट के बारे में, कि ब्लॉग बनाएं या टूल वेबसाइट बनाएं। दोस्तों सिंपल सा पहले हम समझ लेते हैं कि टूल वेबसाइट होता क्या है। कोई टूल वेबसाइट एक फंक्शन सेंट्रिक वेबसाइट होता है जहां पे किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट है, एक टूल वेबसाइट linkst.in। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, मार्केटर हैं या फिर ब्रांड हैं तो यहां से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, सब कुछ लिस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स का है, राइट। इसी तरह और भी टूल्स वेबसाइट होते, जैसे कि ये हमारा reelsdownload.one वेबसाइट है जो कि रील्स डाउनलोड करता है लोगों के लिए। अगर आप किसी रील्स का URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये उसे डाउनलोड कर देगा, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे तरीके के टूल्स वेबसाइट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, आप सभी जो चैनल से जुड़े हैं ज्यादातर लोग ब्लॉगर्स ही हैं। बट अगर आपको नहीं आइडिया है, ब्लॉग कंटेंट सेंट्रिक होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट किए जाते हैं ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, ब्लॉग पोस्ट डेली पब्लिश किया जाता है। कई सारे लोग बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं techyukti.com हो गया, taajatime.com हो गया, या फिर techkari.com हो गया, या फिर mystudentshelpline.com हो गया। ये सारे ब्लॉग्स के एग्जाम्पल हैं। इनका सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, यार ये बंदा क्या बता रहा है, क्या पका रहा है, क्या कर रहा है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई पका नहीं रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर आप उसको समझ गए तो आप बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइक ए ब्लॉगिंग जर्नी, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए बस एक काम करना, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद जाके कमेंट या जो भी करना है करना, वट एवर। ठीक है, ब्लॉग बनाने के भी फायदे हैं, टूल वेबसाइट बनाने के भी फायदे हैं। अगर मैं चार्ट में मैं बताऊं तो ब्लॉग जो है कम खर्चे में बन जाता है। आप बस 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके होस्टिंग डोमेन ले सकते हैं और देन ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तब भी अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेटअप वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के हिस्सा हैं तो आपको पता होगा, राइट। टूल वेबसाइट की जो सबसे खास बात होती है, यहाँ पे हाई ट्रैफिक वाले ज्यादातर वेबसाइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रील्स डाउनलोड वेबसाइट है, आप देखेंगे इसमें 60 मिलियन का ट्रैफिक है। और अगर मैं उसके नीचे वाले को भी चेक करता हूं, तो यहाँ पे भी देखेंगे आप मिलियंस में ट्रैफिक है। ऐसा नहीं है कि जो पहले रैंक वाले को ही सारा ट्रैफिक मिल रहा है, जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पे हैं उनको भी ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है। और जो दूसरा बेनिफिट है कि एक बार कॉस्ट लगता है अपने टूल वेबसाइट, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, किसी डेवलपर को हायर करके बना लिया तो आपको दोबारा खर्चा देने की जरूरत नहीं है। उस पर कंटेंट नहीं पब्लिश होता तो राइटर हायर करने की बार बार जरूरत नहीं है, ग्राफिक्स डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार का जो आपका 10-20 हज़ार का खर्चा आएगा एक ही बार आएगा, दोबारा उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जो टूल वेबसाइट बनाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है ग्लोबल रीच। जैसा कि ऑलरेडी मैंने जियोग्राफिक्स अपना दिखाया था अपने टूल वेबसाइट का, कि आप देखेंगे इंडिया से भी ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से भी ट्रैफिक आ रहा है और अदर कंट्रीज से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो इसका जो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसको ग्लोबल रीच मिले टूल वेबसाइट को, जैसे रील्स डाउनलोडर इंडिया में भी सर्च किया जा रहा होगा, यूएस में भी सर्च किया जा रहा होगा, यूके में भी सर्च किया जा रहा होगा, सऊदी अरब में भी सर्च किया जा रहा होगा, हर जगह पे ये सर्च किया जा रहा होगा, राइट। तो इससे ग्लोबल रीच मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टूल वेबसाइट को। जैसे कि मैं अपने टूल वेबसाइट का नाम आपको बताऊं, ये है opener.one। ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था जिसकी वजह से इतनी पॉपुलरिटी इसको मिली। हमने बस एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप देखेंगे जब भी हम YouTube का डायरेक्ट लिंक अगर हम कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, Facebook पे लगा देते हैं, Instagram पे लगा देते हैं, जब भी उस पर कोई क्लिक करता है ना तो ऐप में ओपन नहीं होता, तो ये कैसे ब्राउजर में ओपन करता है जहाँ पे कोई सब्सक्राइब नहीं कर सकता, लाइक नहीं कर सकता। तो हमने उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल बनाया opener.one, जहाँ पे जाकर कोई भी अगर अपने YouTube वीडियो लिंक को रीजनरेट करता है और यहाँ पे opener.one का लिंक लगाता है तो जब भी कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट वो ऐप में ओपन होगा। यही में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया और इसको हमने पब्लिश कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर मेन्यू में बहुत सारे टूल्स लिस्टेड हैं, इन सारे टूल्स का हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, फिर अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डोमेन पे उनको डाल देते हैं। और हमने इस टूल वेबसाइट पे ना एक बार में ही जितना काम कर पाए हमने किया, बहुत ज्यादा काम नहीं किया। एक बार कॉन्टेंट पब्लिश किया, एक बार इसको डेवलप करने के बाद इसमें हमने कॉन्टेंट पब्लिश किया और सारा किया,
उसके बाद लगभग इस पे ना के बराबर काम होता है, थोड़ा बहुत एसईओ के लिए काम होता है, बिल्कुल काम नहीं होता है इस पे। तो इस पे फिर भी ट्रैफिक आ रहा है अच्छा खासा, ये मोनेटाइज भी है और इस पे हमने एडेक्स लगाया हुआ है। गूगल एडसेंस से डायरेक्ट अभी हम इस पे नहीं काम कर रहे हैं, गूगल एडसेंस को यूज कर रहे हैं एडेक्स के थ्रू। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है टूल्स वेबसाइट क्या होते हैं, उनके क्या फायदे हैं, ब्लॉग क्या होता है, उनके क्या फायदे हैं। इसमें मैंने इनकम वाला पार्ट नहीं जोड़ा है, मैंने बस इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि स्टैट्स और सारी चीजें देखने के बाद आप समझ जाओ कि मुझे किस पे जाना है, क्यों बनाना है। ब्लॉगिंग के बारे में ऑलरेडी आप सभी रिसर्च कर रहे हो, ब्लॉगिंग के बारे में काम कर रहे हो, बट टूल आपके लिए नया है और इसे क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ब्लॉग देखिए, ब्लॉग बनाना बेहद आसान है, आप सभी जानते होंगे। ब्लॉग के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, नीच सेलेक्ट करना होता है। ब्लॉग के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, अपना नीच सेलेक्ट करना होता है, उससे रिलेटेड डोमेन बाय करना होता है, फिर होस्टिंग बाय करना होता है, होस्टिंग को सेटअप करना होता है, उसके बाद उस पर कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं, देन एसईओ करते हैं, एडसेंस अप्रूव कराते हैं, बाकी आगे का काम करते हैं, ट्रैफिक पे फोकस करते हैं। ये प्रोसेस है ब्लॉग बनाने का। अगर आपको बिल्कुल ब्लॉग बनाने नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाके अगर होस्टिंग बाय करके दिए गए ईमेल पे आप इनवाइस सेंड करते हो तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इनवाइस सेंड करके आपको बोल देना है कि मैंने यहां से होस्टिंग खरीदा है, आपका पूरा ब्लॉग सेटअप मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो ये आपको करना होगा। बट अब बात आती है टूल वेबसाइट की, वो तो मैं फ्री में नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं प्रोसेस बताता हूं, अगर हो सके तो आप भी कर लेना, आप ट्राई कर लेना, रिसर्च कर लेना, चीजों को फाइंड कर लेना। टूल वेबसाइट के लिए सबसे पहली चीज होती है ना, एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे रील्स डाउनलोड आसानी से नहीं होता, तो रील्स डाउनलोड टूल बना कि एक प्रॉब्लम है कि जो इंस्टाग्राम पे रील्स पब्लिश होते हैं उसको लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, देन उसके सॉल्व करने के लिए रील्स डाउनलोडर टूल बना। इसी तरह आपको भी एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है। इसी तरह टूल वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है, देन उस प्रॉब्लम के अराउंड इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, लाइक उस प्रॉब्लम से कितने लोग जूझ रहे हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है कि उनको किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए आप पूरा सोल्यूशन बनाते हो कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है, मान सपोज ये प्रॉब्लम है तो इसको हम भी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिटेल बनाते हो। देन आप डेवलपर हायर करते हो या फिर आपको नॉलेज है तो आप खुद डेवलप करते हो, वो डेवलपर कोड कर देता है, देन आप क्या करते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी फोकस कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, उससे रिलेटेड एक डोमेन बाय करते हो, उस डोमेन पे उसको होस्ट करते हो फाइलजिला या फिर कुछ लाइक प्लेक्स या फिर सी पैनल का इस्तेमाल करके। तो ये रहा पूरा कि टूल वर्सेस, ये पूरा पैकेज रहा टूल वेबसाइट वर्सेस ब्लॉग का। हम दोनों चीजें बनाते हैं। अगर आपको टूल वेबसाइट बनाना है किसी भी तरीके का, जो आपके दिमाग में आया कि मुझे इस तरह का टूल वेबसाइट बनाना है, उसके लिए आप नीचे दिए गए ईमेल पे आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, देन हम अगर हमारा डील तय हुआ देन हम आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और आप अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को प्लीज शेयर करें, आपका सपोर्ट हमको आगे बढ़ा सकता है और आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए। बस रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देंगे जो कि हम जानते हैं, बाकी हम कोई बाहर की बात नहीं करते। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए।